लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारने के चक्कर में मैंने सारे रिश्ते पीछे छोड़ दिए दानिश। सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद कर दिया मैंने। जो धोखा मैंने अम्मी को दिया है, सच जानने के बाद तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। और पूरा सच क्या है भाई? घर की फाइल कहाँ है? वो मैंने अरबाज के कहने पर अम्मी से ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे साइन ले लिए और अब अरबाज सफाकी से मुकर गया है। इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है दानिश। मतलब उस दिन आलियान जो कुछ भी कह रहा था वो सच? आप जानते थे ना कि मैं महानूर से कितनी मोहब्बत करता हूं। ये सब जानने के बावजूद आपने अपने भाई की जगह उस अरबाज का साथ दिया? दानिश मैं सच कह रहा हूं, अरबाज ने मुझे आलियान के बारे में कुछ नहीं बताया था। और वो हार्ट अटैक? वो हार्ट अटैक भी एक नाटक था ना? भैया पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या मुंह दिखाएंगे भाभी को? क्या कहेंगे फरवा को कि उसका बाप एक फ्रॉड है? उसने एक ऐसी औरत के साथ फ्रॉड किया जो उसकी मां की तरह है? दानिश मेरी मदद करो यार, मैं सच कह रहा हूं, अरबाज हम सबको बर्बाद कर देना चाहता है। सजीला से जुड़ा हर एक रिश्ता महज उसके लिए एक खिलौना है जिसे खेलकर वो साइड में फेंक देता है। और ये सब पता होने के बावजूद आपने उसका साथ दिया? आपको पता है महानूर ने मुझे अरबाज के बारे में बहुत पहले बता दिया था, लेकिन मैंने उसका नहीं आपकी बात पे भरोसा किया। क्या बेवकूफ हूं मैं यार? अरबाज बहुत जल्द अम्मी को रोड पर लेकर आने वाला है। हाँ तो साहिबान मेहरबान कदरदान, मैं हूँ आपका अपना फरहान। वेलकम टू माय वीलॉग्स। इस वक्त हम मौजूद हैं लाला गन्ने वाला के पास, जो नमाज पढ़ने गए हैं अपने गुनाह बख्शवाने। तू वीडियो बनाना छोड़, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हो गया, तेरा तेरा चेहरा क्यों उड़ा हुआ है? ये जो तू सारे पैसे गन्ने के रस में उड़ाता है ना, इसको जमा करना शुरू कर दे, काल पड़ने वाला है, सारी तिजोरी की तिजोरी खाली रह जाएगी तेरी। क्या बोल रहा है, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? माद मियां के ऑफिस को ताले लग गए हैं। अबे क्या कह रहा है वाकई? अरे इमाद भी जिंदा है या वो भी निकल लिया? वो निकले ना निकले, तू सुन के जरूर निकल जाएगा। सजीला बेगम जिस घर में रहती है ना, अरबाज ने धोखे से अपने नाम करवा लिया। अरे ऐसे कैसे नाम करवा लिया? हलवा है क्या जो चमचा घुसेड़ा और ठूस लिया? अबे अंधी नहीं है सजीला बेगम जो खाली कोरे कागज वैसे ही सिग्नेचर कर ले बगैर पढ़े? शुक्र कर तेरे पास रहने के लिए छत है। अबे इमाद तो सड़क पर आ गया, खूब धोखा दिया है उस अरबाज के बच्चे ने। मैं भी ऐसे नहीं छोड़ूंगा, कसम से अपना हक मैं निकलवा के ही रहूंगा। अबे जहर लगती थी मेरी बातें। हाँ अब तो सच में जहर पीना पड़ेगा तेरी सास को। अब आएगा देखने में मजा जब सासू माँ सड़कों की धूल छानेंगी। अब देखता हूँ कौन सा दामाद काम आता है। बड़ा नाश था ना इमाद मियाँ पर, सब धरा का धरा रह गया। चल निकलते, अबे नमाज पढ़ने गया है, गुनाह बख्शवाने आ जा।